हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके अंदर हम वो टॉपिक्स करने वाले हैं जहाँ से लास्ट 15 इयर्स के अंदर नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी सिंपल हम वो टॉपिक्स देखेंगे जहाँ से लास्ट में क्वेश्चन आए हैं नीट में। अब ये टॉपिक्स हम क्यों देखेंगे, क्योंकि जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये टॉपिक्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से बार बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है और उसकी प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी उससे क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आपको NCERT करनी है कंप्लीट वन शॉट के अंदर, तो वो भी हम ऑलरेडी चैनल पर करवा चुके हैं, जहाँ पर NCERT जो है वो डिटेल में सभी वन शॉट के अंदर लेक्चर में करवाई है। और वहाँ पर भी हमने बताया है कि कौन से टॉपिक से वगैरह से किस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे पहले देखिए जो यूनिट स्टार्ट होती है वहाँ पर दिए होते हैं साइंटिस्ट वगैरह। तो यहाँ पर ये जो हमारे जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो यूनिट 3rd से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर 3 चैप्टर आते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उसको इतना ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बट यहाँ पर देना है क्योंकि यहाँ से जो नीट 2019 में जो उड़ीसा स्टेट के लिए अलग से एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ पर जो लिख रखा है। अब ये एक साइंटिस्ट थे G.N. रामाचंद्रन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। यानी किसने डिस्कवरी की थी, G.N. रामाचंद्रन ने, उनकी डिस्कवरी थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। यानी जो कोलेजन के ऊपर जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर उनकी डिस्कवरी थी, उसको पब्लिश भी किया था। उन्होंने एक बुक है नेचर, ये नेचर ऐसा नहीं है, इन नेचर बुक थी, कब पब्लिश की थी 1954 में। एंड इज एनालिसिस ऑफ द अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। और उन्होंने जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कन्फर्मेशन दी थी किससे, रामाचंद्रन प्लॉट से। रैंक अबव अमंग द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। यानी जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर इस चीज़ के लिए मोस्ट जो है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इनको बताया गया था। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी और यहाँ पर इन्होंने बताया भी है सब कुछ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और भी पूछी जा सकती है, वायलेट कैम्ब्रिज रामाचंद्रन मेट लाइनस पॉलिंग। जो लाइनस पॉलिंग एक और साइंटिस्ट थे, एंड वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पब्लिकेशन ऑन द मॉडल ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। यानी कोलेजन का स्ट्रक्चर को सोल्व करने के लिए किसने हेल्प की थी, लाइनस पॉलिंग ने एक पब्लिकेशन दिया था अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट वगैरह, उसकी हेल्प से उन्होंने जो कोलेजन फाइबर है उसके स्ट्रक्चर को सोल्व किया था। ओके, ये साइंटिस्ट का फोटो है। अब चलते हैं चैप्टर में। अब देखिए, चैप्टर में मैंने आपको बता रखी है जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है व्हाट इज सेल, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बताया है। फिर साइंटिस्ट दिया कि एंटोन वॉन ल्यूनहॉक जो है उन्होंने सबसे पहले जो है वो सेल देखा था, उसके अलावा जो लिविंग सेल देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो लेटर डिस्कवरी की थी किसकी, न्यूक्लियस की। फिर आ जाता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर 3 साइंटिस्ट आते हैं। पहले आते हैं मैथियस स्केल्डियन, जो 1838 में थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और उन्होंने जो है वो लगभग प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था और उन्होंने देखा था कि वो सेल से बनते हैं। आए थे थियोडोर सेक्वान 1839 में, वो जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने एनिमल और एज वेल एज प्लांट सेल को भी डिस्कवर किया था और वहां पे देखा कि वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल्स के अंदर। क्लियर है। उसके बाद आते थे 3rd साइंटिस्ट। अब 3rd साइंटिस्ट जो आए थे वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो स्केल्टियन और सेक्वान थे उन्होंने क्या किया था, एक फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी दे दी थी। ये कह रहे थे कि यहां पर जो है वो जो भी एनिमल्स प्लांट्स वगैरह हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, बट ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं रूडोल्फ विल्चो, 1855 में, नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड। यानी जो पहले वाले सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और नए सेल्स बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल जिसको बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। और यहीं से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था ओमनी सेलुला ई सेलुला से। और उसके बाद में फाइनल सेल थ्योरी क्या बनी थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनते हैं और जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। अब बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में। तो ओवरव्यू ऑफ अगर हम सेल देखें तो यहाँ पर जो प्लांट सेल्स होते हैं वहाँ पर हमें सेल वॉल देखने को मिलती है आउटर बाउंड्री में, और एनिमल के अंदर केवल जो वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आपका DNA और RNA हो सकता है। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसको बोलते हैं यूकेरियोटिक, सेल दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है AIPMT 2010 और नीट 2015 में। तो याद रखना है, जिस न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है वो यूकेरियोटिक होते हैं, जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब आगे लिखा, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्मा ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। यानी दोनों ही सेलों, चाहे प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक, उनमें साइटोप्लाज्मा जरूर होता है। द साइटोप्लाज्मा इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। यानी चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल सेल हो, उसमें सबसे ज्यादा जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है वो साइटोप्लाज्मा के अंदर होती है।
ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से आगे वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ से 3 times क्वेश्चन आ चुका है। देखिए जहाँ से 15 में आया, जहाँ से 16 में आया, वहीं से नीट 2022 में क्वेश्चन आ गया, इसीलिए मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द ऑर्गेनल्स। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनल्स के बारे में। तो न्यूक्लियस के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर भी होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसाइम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज वगैरह हो गए। जबकि अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वहां पर ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में एक ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम, बट वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा गया कि राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। बाकी जो इससे पहले वाले ऑर्गेनल्स थे ये वाले, ये केवल यूकैरियोटिक के अंदर मिलते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, क्लियर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे सेंट्रोसोम वगैरह के बारे में बात की गई है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से नीट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है कि सेल जो है वो डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल जो है माइक्रोप्लाज्मा का दिया गया है, माइक्रोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल, यानी जो माइक्रोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है और इसका साइज क्या है 0.3 micrometer इन लेंथ, और वाइल द बैक्टीरिया जो है वो 3 to 5 micrometer हो सकता है, यानी ये जो बैक्टीरिया है उससे भी 10 times स्मॉल होता है, क्लियर है। और ये अलग अलग साइज दिए गए, यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया। फिर चलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरफ। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जो जितने भी ड्रेड वाले टॉपिक्स हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 4 times क्वेश्चन आ चुका है, 2015 में आया, 19 में आया, 2020 में आया और फिर उसके बाद में 2022 में आया। अगर हम लास्ट 4 years की बात करें तो वहाँ पे केवल 3 times यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। ओके तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जनरली रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपीएल, जिसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं, जनरली स्मॉलर होते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक, यानी यूकैरियोटिक से ज्यादा जल्दी वो डिवाइड करते हैं। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। यहाँ पे 4 basic shapes होती है जो कि हम मोनेरा किंगडम के अंदर भी पढ़ते हैं, वही है बेसिलस वाली, कोकस वाली, विब्रियो वाली और स्पेरन वाली, वहाँ पर डायग्राम भी दिए हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं, ऑल प्रोकैरियोटिक हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन द माइकोप्लाज्मा, यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं वहाँ पे सेल वॉल होती है बट माइकोप्लाज्मा के बाहर सेल वॉल नहीं होते, और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मोनेरा किंगडम के अंदर जब हमने देखा था लास्ट में माइकोप्लाज्मा दिया हुआ था तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो माइकोप्लाज्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे लिखा है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेट, नॉट एनवलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो हमें पता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोजोम सर्कुलर डीएनए, याद रखना है यहाँ पे जीनोमिक डीएनए कैसा है, सिंगल क्रोमोजोम है और सर्कुलर डीएनए है। मेनी बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मेन डीएनए होते हैं उससे अलग भी कुछ डीएनए मिलता है और उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। डायग्राम का जो साइज वगैरह दिए हैं वो भी क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रख लेना, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 micrometer होता है, पीपीएलओ 0.1 micrometer, वायरस और उससे भी छोटे होते हैं, 0.02 से लेकर 0.2 micrometer तक होते हैं, और यहाँ पर एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दिया हुआ है जो कि 10 to 20 micrometer होता है। और यहाँ पर डायग्राम से क्वेश्चन आ चुका था कि ये वाला पोर्शन क्या है, तो ये वाला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये शेप वगैरह दी हुई है, क्लियर हो गया, यहाँ से भी इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में। अब देखिए सेल एनवलप होता क्या है, ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं पर्टिकुलरली दी बैक्टीरियल सेल, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है। सेल एनवलप बनता है किससे, टाइटली 3-layer स्ट्रक्चर से, आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में होता है सेल वॉल और इनर मोस्ट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर होगी। अब बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, 2 times क्वेश्चन आ चुका है, 2013 और 2017, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया, यानी अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन और थिकनेस है वो अलग अलग हो सकती है। इट ऑल्सो गिव स्टिकी सर्फेस टू द सेल फॉर एडेसिव, यानी एडेसिव के लिए स्टिकी सर्फेस प्रोवाइड करता है कौन, ग्लाइकोकैलिक्स। इट कुड बी ए लूज सीथ सेल कॉल्ड द स्लाइम लेयर, ये बिल्कुल लूज भी हो सकता है तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर, वाइल इन अदर इट में भी थिक एंड टफ, और ज़्यादातर ये थिक एंड टफ भी हो सकता है तो उसको बोलेंगे कैप्सूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में इंटरेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है मीजोसोम, काफी इंपॉर्टेंट है, 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, कैसा आया था मैं आपको बताऊंगा। ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड इज द मीजोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन टू द सेल, यानी यहाँ पे जो मीजोसोम होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी एक्सटेंशन से ही बनता है। अब ये इसके एक्सटेंशन अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, वो वेसिकल की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, और लेमिला की फॉर्म में भी हो सकते हैं। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है कि मीजोसोम का फंक्शन क्या है, यानी उसका वर्क क्या है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, बताऊंगा अभी कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी वो सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करती है, डीएनए रेप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल में भी मदद करती है।
अब इम्पोर्टेंट है, दे ऑल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन। अब ध्यान दीजिए, रेस्पिरेशन में जो है वो कौन सा ऑर्गेनल होता है यूकेरियोटिक के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ना रेस्पिरेशन, आगे आएगा भी माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है। तो ये पूछा गया था कि प्रोकैरियोटिक में वो कौन सी चीज़ है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, यानी जो वही काम करती है जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो मीजोसोम। क्यों? क्योंकि मीजोसोम भी रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है। तो इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है, होता आंसर। ठीक है, सीक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट वगैरह में काम करता है मीजोसोम, वर्क करता है। ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, जो बैक्टीरिया सेल होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर वो मोटाइल है तो वहां पे क्या होगा? दे हैव ए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लेजिला। तो यहां पर जो होगी वो फ्लेजिला प्रेजेंट होगी। इसके अलावा फ्लेजिला के अलावा जो पिलाई और फिम्बरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। दो बार क्वेश्चन आ चुका है 15 और 16, यानी 14 में 15 में 16 में, इतने के टॉपिक से कंटिन्यू तीन बार क्वेश्चन आए थे, इसलिए टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं। देखिए, बिसाइड फ्लेजिला पिलाई और फिम्बरी जो है वो ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के, बट वहाँ पर वो मोटिलिटी के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। मोटिलिटी के अंदर केवल फ्लेजिला प्ले करता है। फ्लेजिला के तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बट जो पिलाई और फिम्बरी है वो आपकी मोटिलिटी के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, बट वो भी सरफेस स्ट्रक्चर होती है। अब पिलाई क्या करती है? द पिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबलेस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, द फिम्बरी आर स्मॉल बिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग ऑफ द सेल। तो ये आपके 15 और 16 में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब ये क्या काम करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प, कौन? पिलाई और फिम्बरी है, टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। वगैरह जो स्ट्रीम और होस्ट टिश्यू है वहां पर उनको अटैच होने में हेल्प करते हैं, बट एडेसिव होने में नहीं, वो ग्लाइकोकैलिक्स का काम था। अब हम आगे चलते हैं, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी की बात करते हैं। अगर यहां पर ये एक पैराग्राफ देखें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, 15 में 18 में 19 में और 2020 में, मतलब इस एक पैराग्राफ राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी से तीन बार तो कंटिन्यू क्वेश्चन आया, 18 में आया, फिर 19 में आया, फिर 2020 में भी आया, और उससे पहले 15 में भी आ चुका है। ओके, राइबोसोम की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। यहाँ पर दो टाइप के साइज होते हैं, दे आर अबाउट टू 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज एंड मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, कौन सी? 50S एंड 30S, जो यूनिट है वो मिलकर बनाती है 70S राइबोसोम। यानी जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, उसकी जो लार्ज यूनिट होती है वो 50 होती है, स्मॉल जो होती है वो 30 होती है। यूकैरियोटिक के अंदर क्या साइज होता है बताना, आगे आएगा भी। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA इन फॉर्म ए चोन कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सेम लाइन जो है वो एक और चैप्टर के अंदर आएगी क्लास 12th के अंदर, जहां पे हम पढ़ेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे पॉलीराइबोसोम पॉलीसोम वगैरह आएगा। तो यहाँ पे जो बहुत सारे राइबोसोम होते हैं वो अटैच होते हैं सिंगल एमआरएनए के अंदर, जहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन जहाँ पे पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस वाला, तो वहाँ पर आएगा ये द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, तो वो यहाँ पे आता है ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी की, काफी इंपॉर्टेंट है, दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इंक्लूजन बॉडी, अब 2015 में तो दो बार क्वेश्चन आए थे, 15 में एक बार आया था, फिर कैंसिल हुआ था, फिर आया था, और 2020, तो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन तो तीन बन गए थे, बट ये दो ही रहे थे। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्मा, यानी जो इंक्लूजन बॉडी क्या होती है वहाँ पे रिजर्व होता है मटेरियल प्रोकैरियोटिक के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। अब आगे लिखा है, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहां पर केवल जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो इंक्लूजन बॉडी भी जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल फ्री रहता है। एग्जाम्पल लिखा है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, यहीं से क्वेश्चन आ चुका है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, इस टाइप से करके क्वेश्चन आ गया था। तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो वो इंक्लूजन बॉडी होते हैं। इसके अलावा गैस वैक्यूल जो होते हैं आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? फोर किंगडम थे, प्रोटिस्टा, प्लांटा, एनिमलिया और फंजाई किंगडम के अंदर मिलते हैं। तो ये भी यहाँ पे आगे चीजें आपको पता ही है। ओके, यहाँ से 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लिखे गए? ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सबसे पहले यह पता होना चाहिए। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफर एज फॉर्मर पॉजिस सेल वॉल, तो यहाँ पे जो प्लांट सेल होता है उसके पास में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होती है और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। यानी एनिमल के अंदर ना सेल वॉल मिलेगी, ना प्लास्टिड मिलेगा, ना ही सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा लार्ज साइज का। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। इसके अलावा अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पे सेंट्रियल होगा जो सभी में एब्सेंट होगा।
अब देखिए, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था पीछे भी, ये देखिए यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की शेप, इस टाइप की शेप जो थी वो वहाँ पर दिखाई दी थी, और मैंने ये कहा था कि ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि पहले वाला डायग्राम था जहाँ से मैंने बताया था क्वेश्चन आया था। अब ये वाला जो डायग्राम है वो क्या है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाले माइटोकॉन्ड्रिया है, इस टाइप की शेप आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन वगैरह जो है यहाँ से क्वेश्चन आया था, बट एक क्वेश्चन आया था वो आया था AIPMT 2012 के अंदर, और वो क्या था, एन इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। इसको ऐसे भी बोला जाता है, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। तो एक जो है वो सेल मेम्ब्रेन का एक इंप्रूव्ड मॉडल दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, जो वाइडली एक्सेप्टेड हुआ था, किस टाइप से, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोल सकते हैं, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल भी बोल सकते हैं। यहाँ से AIPMT 2012 में क्वेश्चन आता, ईयर पूछा गया, तो ईयर कौन सा है, 1972 है, याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इतनी बार क्वेश्चन नहीं आए, वो बता रहे हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, ऑस्मोसिस जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, फिर फैसिलिटेटर, और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की। फिर आ जाते हैं सेल वॉल। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट याद रख लेना है, एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सेलुलोज, ग्रेक्टन्स, मैनन्स एंड बिंडल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है, जबकि जो अदर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन से बनती है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। याद करने का मैंने तो तरीका ये है कि पी फॉर प्लांट्स है, पी फॉर पेक्टिन, पी फॉर प्रोटीन, बाकी सेलुलोज जो है वो तो दोनों के अंदर है ही। तो यहाँ पर पी पी दो आ गए, तो प्लांट्स के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर अलग अलग वॉल्स होती है, जैसे प्राइमरी वॉल होगी, सेकेंडरी वॉल होगी, इस टाइप से। बट यहाँ पे मिडल लेमिला से दो बार क्वेश्चन आ चुका है, AIPMT 2009 में और 2010 में। मिडल लेमिला क्या है, देखिए, द मिडल लेमिला इज लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज मत होना। एल्गी के अंदर जो सेल वॉल थी वो किससे बन रही थी, कैल्शियम कार्बोनेट से, बट जो मिडल लेमिला है वो किसकी है, कैल्शियम पैक्टेट की, इसको भी याद रखना। विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, द सेल वॉल एंड मिडल लेमिला मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, यानी यहाँ पर बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, और प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्मा ऑफ द नेबरिंग सेल, यानी जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्मा को कंडक्ट करता है, सॉरी कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है नीट 2021 के अंदर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चार चीज़ें होती है। इनके जो फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, इसीलिए जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे में, इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। एंडोमेम्ब्रेन, एंडो मतलब क्या हो गया, जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन, यानी जो इनसाइड वाली, एंडो मतलब इनसाइड के अंदर जो मेम्ब्रेन है उससे रिलेटेड है सारे के सारे। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम जो है आर नॉट कोऑर्डिनेट विद द एबा कंपोनेंट, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम वगैरह जो है इनके फंक्शन इनके साथ में करेक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं काउंट करते हैं। अब जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं उनको एक एक करके स्टडी करेंगे, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके सामने ये आ चुका है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया, 5 times क्वेश्चन आया इसीलिए। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक का क्या मतलब हो गया, जो एंडो मतलब इनसाइड प्लाज्म, यानी जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे बोला भी है, देखो, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ द यूकेरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क और रेटिकुलम। तो एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर देता है, किसका, टीन्यू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिवाइड है इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनस जो कि इनसाइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और साइटोप्लाज्म जो कि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है वो उसको बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फर्दर टू टाइप में डिवाइड होता है, एक तो होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डायग्राम भी है और ये लिखा भी हुआ है, जिसको SER बोलते हैं। एक होता है जहाँ पे राइबोसोमटेज है, यहाँ पर देखिए राइबोसोमटेज है, यहाँ पे राइबोसोमटेज नहीं है, वो हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखो, ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसी से निकलता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया? ओके, आगे देखते हैं। देखिए दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सर्फेस, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक, और इन एबसेंस ऑफ द राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला ये मेन डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे 5 times क्वेश्चन आ चुके हैं। अब RER जो है वो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, क्योंकि देखिए जो राइबोसोम है उसका काम ही होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, वो हमने पढ़ा भी था आगे, इंक्लूजन बॉडी एंड राइबोसोम के अंदर। तो यहाँ पे राइबोसोम आ चुके हैं, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन होता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ये याद रखना है कि जो आपका RER होता है वो कंटिन्यू एक्सटेंसिव और कंटिन्यूस पार्ट होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, तो वो मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड को सिंथेसाइज करने का काम सबसे ज्यादा किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टीरॉइड हॉर्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SER, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख सकते हो आपका कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये डायग्राम भी आपका 2013 में आ चुका है, इसको भी आप याद रख लेना।
ओके नेक्स्ट हम चलते हैं गोल्गी अपैरेचेस से। गोल्गी अपैरेचेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी जो है वो 1898 में उन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था, किसको? गोल्गी अपैरेचेस को। उन्होंने कहा था कि कुछ स्टैंड लाइक रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है, तो उसको नाम दे दिया गया उन्हीं के नाम पर गोल्गी बॉडी। दे कंसिस्ट ऑफ मेनली फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी। ये इंपॉर्टेंट है सिस्टर्नी वाला वर्ड, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर भी सिस्टर्नी, यहीं से सबसे ज़्यादा मेस्ता कॉलम टाइप क्वेश्चन बने हैं। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स जिसको बोलते हैं सिस्टर्नी, और इसका साइज क्या होता है 5.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर और वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर दो फेज होती है गोल्गी सिस्टर्नी के अंदर, एक होती है कन्वेक्स फेज जिसको सिस भी बोलते हैं और फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, और एक होती है कॉनकेव फेज जिसको ट्रांस और मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। बट ये जो है वो एंटायरली डिफरेंट होती है बट इंटरकनेक्टेड होती है ये दोनों की दोनों, कॉन्वेक्स और कॉनकेव फेज। ओके नेक्स्ट, अब ये वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फिर देख सकते हो यहाँ पे कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 5 टाइम क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, केवल इतनी 4 लाइनों से 5 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे 13, 18, 19 और 2020 के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये काम क्या करता है, गोल्गी अपैरेचेस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल, यानी ज़्यादातर इसका पैकिंग मटेरियल का काम होता है इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ER फ्यूज, तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में बना देते हैं, विद द सीस फेस ऑफ द गोल्गी अपैरेचेस मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेस, यानी सीस फेस की तरफ से तो आता है मटेरियल और उसको ट्रांसफेस की तरफ से मैच्योरिंग फेस की तरफ से बाहर निकाल देते हैं। दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्गी अपैरेचेस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाई राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी जो RER ने प्रोटीन बनाया है उसको भी क्या किया जाएगा, मॉडिफाइड किया जाएगा, और जो हमारे लिपिड बने हैं उसको भी मॉडिफाइड किया जाएगा। तो वो आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद में प्रोटीन आ गया वो बन गया ग्लाइकोप्रोटीन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में से निकलता हुआ लिपिड आ गया वो बन गया ग्लाइकोलिपिड, तो इसीलिए वो इसके साथ में एसोसिएटेड है। बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इज द ट्रांसफेस, गोल्गी अपैरेचेस इज द इनर इंपॉर्टेंट साइड ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले यह याद रखना है कि वो कौन सी फेज से निकलते हैं, तो वो ट्रांसफेस से निकलते हैं, यानी आपकी कॉनकेव फेज से निकलते हैं, मैच्योरिंग फेज से निकलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम। अब देखिए लाइसोसोम बनाता कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम वाला भी क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। लाइसोसोम जो है वो ये आपके बनाते हैं, जो पैकिंग हुआ है गोल्गी अपैरेचेस उससे जो पैकिंग बना है वेसिकल फॉर्म में वही आपके लाइसोसोम बनते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द गोल्गी अपैरेचेस, यानी गोल्गी अपैरेचेस ही लाइसोसोम बनाते हैं। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो आइसोलेटेड लाइसोसोम जो होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कौन से होते हैं, जैसे लाइपेज हो गए, प्रोटीज हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वो सारे कुछ, और ये एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्यूल के बारे में, वैक्यूल से भी 2 टाइम क्वेश्चन आ चुका है। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्मा, इट कंटेन वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, यानी एक तरह से ये डस्टबिन होता है, जो भी सेल के काम की चीजें नहीं होती उस डस्टबिन में डाल दी जाती है, उसको बोलते हैं वैक्यूल। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये वही काम करता है रेस्पिरेशन का काम करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके अंदर ये सेप दिया हुआ है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, यानी ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे स्पेस है, ये मैट्रिक्स है, ये क्रिस्टा है। एक जगह हमने सिस्टर्नी पढ़ा था और यहाँ पे आ गया क्रिस्टा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर देखिए ये लिखा भी हुआ है, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, एंड जो आउटर कंपार्टमेंट है एंड द इनर कंपार्टमेंट। अब जो इनर कंपार्टमेंट है वहाँ पर जो है वो डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब यहाँ से 3 टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द क्रिस्टा, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था सिस्टर्नी और क्रिस्टा, सिस्टर्नी आया था गोल्गी अपैरेचेस में, क्रिस्टा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सिंगुलर को बोलते हैं क्रिस्टा टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। यहाँ से 3 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। और ये क्रिस्टा करता है क्या है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। आगे चलते हैं हम आगे, द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आ गया ना रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन वहाँ पे कहीं पे वो पहले भी आया था, कहाँ पे आया था, मीजोसोम के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर, कि वहाँ पे वो मीजोसोम के अंदर रेस्पिरेशन करवाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, रेस्पिरेशन करवाता है, तो इसलिए वो सेम हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ से भी कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 10 में 16, 17 और 19 में। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, यानी ये जो है वो सेलुलर एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, और इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये तो सबको याद ही रहता है। The matrix also possesses single circular DNA. ये काफी important है कि mitochondria का जो वो खुद का DNA है, इसलिए इसको semi-autonomous organelle भी बोला जाता है।
ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये सेम चीज़ आपको क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगी, वो भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है। इफ यू आरएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम 70S टाइप का है, जैसा प्रोकैरियोट के अंदर है, वहाँ पे खुद का माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का राइबोसोम जो वो 70S है, बट यूकैरियोटिक के अंदर जो साइटोप्लाज्मा होता है उसका जो राइबोसोम आपको दिखाई देगा वो 80S का होगा, वो आगे आएगा। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और वो सारे कंपोनेंट यहाँ पर होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसाइज किया जा सके। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है फीजन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिड की। अब प्लास्टिड जो होता है वो पिगमेंट के बेस्ड पे तीन टाइप में डिवाइड है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमो मतलब कलर प्रोवाइड करेगा। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीन हो जाता है, मतलब कैरोटीन कैसे है, फैट सोल्यूबल है। क्वेश्चन आ चुका है AIPMT में, लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर पिगमेंट, दिस गिव द पार्ट ऑफ द येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर वगैरह देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उसको स्टोर करता है। अब आपके वापस जो ल्यूकोप्लास्ट है वो फर्दर थ्री टाइप्स के हैं दिए हुए हैं, एमिलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरो कहीं पे वर्ड आ जाए समझ लेना वो बात कर रहा है प्रोटीन के। एमाइलो कहीं से भी वर्ड आ जाए वो समझ लेना स्टार्च की बात कर रहा है, जैसे सलाइवरी एमाइलेज, तो मतलब वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है। तो एमाइलो कहीं पे भी वर्ड आए वो स्टार्च की बात कर रहा है, एल्यूरो कहीं पे भी वर्ड आए वो प्रोटीन की बात कर रहा है। अब बच गया इलियो, तो इसका मतलब वो ऑयल एंड फैट को कर रहा है। तो एमिलियोप्लास्ट वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को स्टोर करेगा, इलियोप्लास्ट प्रोटीन को और इलियोप्लास्ट आपका ऑयल एंड फैट को। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, काफी बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम, थायलेकोइड, स्ट्रोमा, लैमेली वगैरह सब है। और ये स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा आता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर। जो फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर वो स्ट्रक्चर आता है, फिर वहाँ पे बताया भी जाता है कहाँ पे क्या फोटोसिंथेसिस होता है। ओके भाई, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर भी देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 14 में, 15 में, फिर 2021 में आया, यहाँ पे 16 में, 19 में, मतलब 14, 15, 16, 19 और 2021, फाइव टाइम्स अलग अलग ईयर में इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया पूरा का पूरा वैसे तो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं इनसाइड में, जैसे हमारे पास में सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा होता है और वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर मैट्रिक्स होता है, उसी टाइप से यहाँ पर जो होता है, यहाँ का जो साइटोप्लाज्मा उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। देखिए द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। जैसे साइटोप्लाज्मा हो गया सेम उसी टाइप सा। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थायलेकोइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, तो यहाँ पे थायलेकोइड प्रेजेंट होते हैं। अब थायलेकोइड क्या होते हैं, थायलेकोइड आर अरेंज इन स्टेक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना। थायलेकोइड जो होते हैं वो कॉइंस लाइक एक दूसरे के ऊपर जज जाते हैं और वो बनाते हैं ग्रेना। थायलेकोइड के अंदर होता है क्लोरोफिल, थायलेकोइड के अंदर क्या होता है क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। सिंगुलर को इसको बोलते हैं ग्रेनम और द इंटीग्रेनल थायलेकोइड इसको बोला जाता है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुल कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली भी होती है, जो कि अलग अलग थायलेकोइड को कनेक्ट करती है डिफरेंट ग्रेना से। द मेम्ब्रेन ऑफ द थायलेकोइड इनक्लोज इन द स्पेस उसको बोलते हैं ल्यूमन, यानी जो थायलेकोइड के अंदर कोई स्पेस होता है उसको बोलते हैं ल्यूमन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यहाँ पे जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसके सारे वो एंजाइम होंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज कर पाए, क्योंकि यहाँ पे जनरली फोटोसिंथेसिस का काम होगा तो ये सारी चीज़ें तो बनानी पड़ेगी। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसका भी खुद का डीएनए है, राइबोसोम है और यहाँ पर भी क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थायलेकोइड, तो थायलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर याद रखना है 2016 और 19 में क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, क्योंकि देखिए जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, वो हमने देखा था कि वो यूकैरियोटिक के अंदर मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं मिलते हैं। तो यूकैरियोटिक के अंदर यहाँ पर जो राइबोसोम मिल रहे हैं, यहाँ पर जो राइबोसोम है क्लोरोप्लास्ट के वो 70S है, बट यहाँ पर जो आपका यूकैरियोटिक सेल है उसका जो राइबोसोम है वो कैसा है, 80S का है। इसको और डिटेल में यहाँ पर आ चुका है आपका राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे, जॉर्ज पैलाडे ने किए थे, कि ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, 1953 के अंदर डिस्कवर हुआ था। यहाँ पे दो यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है, इस टाइप से ये बनता है। दे आर कंपोज ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आरएनए जो आपके राइबोसोम होते हैं वो बनते किससे, आरएनए से बनते हैं एंड प्रोटीन से बनते हैं, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 80S होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं वो 70S होते हैं। जो 80S के अंदर दो यूनिट होती है वो होती है 60 एंड 40, इसको प्लस मत कर देना, और 70 के अंदर 50 और 30 होती है। यहाँ पे एस का मतलब हो गया स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि डायरेक्टली जो बना इनडायरेक्टली क्या बनाता है, मेजर एंड डेंसिटी एंड साइज वगैरह जो बताता है। क्लियर हो गया। उसके बाद में बात करते हैं साइटोस्केलेटन से, साइक्लोस्केलेटन से। AIPMT 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। एन इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर तीन स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होता है माइक्रोफिलामेंट्स और एक होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये सब कुछ स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, ये आपका साइटोस्केलेटन बनाते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर बोन्स होती है, पूरा स्केलेटन बनाता है, उसी टाइप से तीनों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं,
है ताकि उस सेल की एक पर्टिकुलर शेप साइज बना रहे। द साइटोस्केलेटन इन ए सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल वगैरह। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलिया एंड फ्लेजिला। सीलिया को सिंगुलर को बोला जाता है सीलियम, फ्लेजिला को सिंगुलर को बोला जाता है फ्लेजिलम। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है 9+2 अरेंजमेंट में। 9+2 क्यों बोला गया है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अंदर में सिंगुलर वाले जो है वो 1, 1 है, तो ये 9+2 अरेंजमेंट वाला दिया गया है। यहाँ पे ये सेंट्रल रेडियल स्पोक्स वगैरह, सेंट्रल सीथ वगैरह इस टाइप से होता है। अब होता क्या एक्चुअल में, देखिए सीलिया ऐसी है, इसको बीच में से कट करके और ऊपर से देखेंगे, जैसे आपका मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है, इसको बीच में से कट करके और फिर ऊपर से देखोगे तो वो किस टाइप से दिखाई देगा, इस टाइप से पेन, और इसके अंदर जो आपको रिफिल दिखाई देगा तो कुछ इस टाइप से इन्होंने बताया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि डायग्राम में इस टाइप से दिखाया, ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो कोर होता है इसके अंदर पूरा जो स्पेस है, यहाँ पर ये जो आपकी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रीन के अंदर, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर वाला सारा जो स्पेस है उसको बोलते हैं एक्सोनियम, ये लिखा हुआ है आपके सामने। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनियम पोजेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनियम में 9 डबलेट्स होते हैं, तो 9+2 एरे हो गया, मैंने आपको बता दिया 9 डबलेट्स हो गए और 2 जो है वो सिंगलेट हो गए, तो इसलिए 9+2 अरेंजमेंट बन गया। और लिखा हुआ है एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबल, यानी सिंगल वाले जो होते हैं वो पेयर होते हैं, तो इसलिए 9+2 अरेंजमेंट बन गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर पेरिफेरल ट्यूबल्स पे इंटरलिंक और लिंकर वगैरह होते हैं, बट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, बोथ सीलियम एंड फ्लेजिला एमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। तो चाहे वो सीलिया हो चाहे फ्लेजिला हो, वो निकलते कहाँ से, सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर से निकलते हैं, जिसको बोलते हैं बेसल बॉडी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हमने बताया था कि केवल एनिमल सेल के अंदर ज्यादातर मिलता है और ये सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है। सेंट्रियोल भी सेम आपका उसी टाइप से होता है, बट यहाँ पे 9+3 होता है। 9+3 कैसे, देखिए यहाँ पे दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स इन द प्रोटीन इन द पेरिफेरल इज द ट्रिपलेट। यहाँ पे ट्रिपलेट कोड होता है, जैसे वहाँ पे 9 वाले 2-2 थे, यहाँ पे 9 वाले 3-3 होते हैं। और द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल आल्सो प्रोटीनस एंड कॉल्ड द हब, व्हिच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल बाय द रेडियल स्पोक। यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट होता है, सॉरी, और 9 वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 3 होते हैं। 3 कैसे होते हैं मैं समझाता हूँ, यहाँ से समझिए डायग्राम से। देखिए ये एक हमने स्पोक काउंट किया था, इसमें देखिए सर्कल वाले कितने हैं, 1-2 है, बट वहाँ पे इस टाइप के 3 होते हैं, तो वो इसीलिए इन्होंने ट्रिपलेट बोला है। और ये कैसे बोला है, डबलेट बोला है, देखो यहाँ पे बोला है 9 डबलेट है, ये चीज़ समझ में आई, मतलब एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, डबल है। ट्रिपलेट में क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, उस टाइप से बोला गया, बाकी चेंज नहीं है। और वहाँ पे बीच में 0, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन आ चुका है नीट 2020 में, लास्ट वाला, द सेंट्रियल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लेजिला। वहाँ पे बोला था सीलिया एंड फ्लेजिला की जो सेंट्रियल स्ट्रक्चर बेसल बॉडी बनाता है, और वहाँ पे उसका उल्टा बोल दिया गया। एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू द स्पिंडल अपरेचर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन द एनिमल सेल। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर भी बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन फ्लेमिंग। तो ये फ्लेमिंग ने उनको एक नाम दे दिया था क्रोमेटिन, और इसकी ये कब पूछा गया क्वेश्चन, 2015 में पूछा गया। अब जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म होगा उसको क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म दे देंगे। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी, उसको नाम दे देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये भी डबल लेयर होती है, ये भी आप याद रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल लेयर थी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल लेयर थी, और यहाँ पर भी कैसी है, डबल लेयर है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, उसके अंदर बाद में जो है वो छोटे छोटे स्पेस होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और कुछ एक पोर होते हैं मेम्ब्रेन के बीच में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखो लिखा हुआ है, देखिए द इंटरफेस न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस ऑफ द मैन इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर कॉल्ड द क्रोमेटिन न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडी, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब उन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेवल दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन। तो मैंने बताया था डबल मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन हो गई, इनके बीच में स्पेस होता है 10-15 नैनोमीटर, और यहाँ पे इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये भी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ से देखिए एक ही दम न्यूक्लियरलेस वाला जो पोर्शन है, यहाँ से भर के 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया, 12 में, 18 में, 19 में, 20 में, मतलब 3 ईयर में तो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अब वो बताया था ना जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, वो बहुत सारे हैं, तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तो चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब ये काम क्या करता है, वही सबसे ज़्यादा पूछा गया। The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure. सबसे पहले याद रखना है nucleolus जो होता है वो membrane bound structure नहीं होता है। It is a site for active ribosomal RNA synthesis. इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया कि active ribosomal RNA synthesis यानी rRNA synthesis जो है उसकी साइट क्या है, तो वो न्यूक्लियोलस है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। अब क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो पैक्ड होके क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है।
ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब क्रोमोसोम के अंदर होता क्या, देखिए क्रोमेटिन कंटेंट्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए, ये सब कुछ होता है। और ये पैकिंग ऑफ डीएनए वगैरह वाली सिस्टम जो है वो हम पढ़ते हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये वाला जो है वो लिंक करता है आपका मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th के अंदर। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ओके अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एवरी क्रोमोसोम दैट इज विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल एसेंशियली हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ इच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। अब ये काइनेटोकोर दो तीन बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये काइनेटोकोर आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर मेटाफेज के अंदर भी आएगा, जहाँ पे आपके स्पिंडल फाइबर जो अटैच होंगे काइनेटोकोर के साथ में। क्लियर है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ से भी आ चुका है। यहाँ पे इसके साइड में काइनेटोकोर होते हैं, डायग्राम भी दिया है क्रोमोसोम का, और यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन में दो काइनेटोकोर बनाए हुए हैं साइड में, जहाँ पे आपका क्या अटैच होगा, आपका जो स्पिंडल फाइबर वो अटैच होंगे। सेंट्रोमियर होल टू क्रोमेटिन द सेम। अब देखिए क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर। ये भी याद रख लेना है, इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर भी बोला जाता है, लिखा हुआ है एसेंशियली हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को जो है वो सेंट्रोमियर भी बोला जाता है। क्लियर है, यहाँ पर इसके बेस के ऊपर जो है, यहाँ पर सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे फोर टाइप के क्रोमोसोम है। कितने टाइप के हैं, फोर है, मेटासेंट्रिक, सब मेटा, एक्रो, टीलो, बहुत इंपॉर्टेंट है फोर के फोर। पहले देख लेते हैं, सबसे पहले देखो ये तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, यहाँ पे देखो आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिखाया गया है और इससे ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो वो सैटेलाइट दिखाया गया, सैटेलाइट अभी आएगा। तो ये शॉर्ट आर्म हो गई, ये लॉन्ग आर्म हो गई। शॉर्ट आर्म को पी आर्म बोलते हैं, लॉन्ग आर्म को क्या आर्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये हो गए हमारे कौन से, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अब ये कौन सा है, ये वाला मेटा है, ये सब मेटा है, ये फिर एक्रो है और ये हमारा टीलो है। क्लियर हो गया। ओके कैसे बोला मैंने, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इक्वल आर्म किसकी दिखाई दे रही है, इसकी बिल्कुल इक्वल आर्म दिखाई दे रही है, जितनी इधर है उतनी इधर है, तो इसकी इक्वल आर्म दिखाई दे रही है, मेटासेंट्रिक हो गया। इसकी थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ पे देखो शॉर्ट आर्म ये थोड़ी सी छोटी है, तो ये आपका सब मेटा हो जाएगा। मेटासेंट्रिक एनाफेज में किस टाइप का दिखाई देता है, वी शेप का दिखाई देता है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है बट बता दिया गया है। ओके 2021 में आ चुका है, मैंने आपको आपकी कंटिन्यू देख लीजिए, 18 में, 19 में, 2021 और 2022 में, मतलब लास्ट फोर ईयर से क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं क्रोमोसोम की शेप वगैरह पे लेके। अब बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक में, द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्ट आर्म जिसको पी आर्म बोलते हैं, वन लॉन्ग आर्म क्यू आर्म बोलते हैं, पी एंड क्यू जो एनसीईआरटी में नहीं है बट नोट्स में लिख दिया गया है। इट लुक लाइक्स एल शेप एट द एनाफेज, ये एल शेप का दिखाई देता है एनाफेज में। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंडिंग फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग। एक्सट्रीमली शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आर्म अगर बनेगी वो एक्रोसेंट्रिक में बनेगी, एनाफेज में ये जे शेप का दिखाई देगा। बात करते हैं टीलोसेंट्रिक की, वहां पे टर्मिनल पे होता है आपका सेंट्रोमियर और ये आई शेप का दिखाई देता है एनाफेज के अंदर, ये भी आपको याद रख लेना है। ओके अब हमने बात की थी कि जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर होता है वो आपका सेटेलाइट, यहाँ पे आगे उसे था सम टाइम ए फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट ए कॉन्स्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सेटेलाइट। तो वो कुछ एक ऐसा दिखाता है कि वो नॉन स्टैंडिंग है, मतलब उसमें स्टेन नहीं हो सकता है क्रोमोसोम के ऊपर, तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं माइक्रोबॉडीज के बारे में, मैनी मेम्ब्रेन माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज, इसको परोक्सीसोम भी बोला जाता है, दैट कंटेन वेरियस एंजाइमेट प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। माइक्रोबॉडी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, उसको परोक्सीसोम भी बोला जाता है और ये भी आपका क्या है, एक ऑर्गेनेल है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। 2018 के अंदर इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसा टॉपिक्स था जो कि एनसीईआरटी में कवर नहीं है, वो नोट्स में लिखा हुआ है। पोलाइटीन पॉलीटीन क्रोमोसोम और जाइंट क्रोमोसोम होते हैं, देट आर क्वाइट कॉमन इन द सेलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट, यानी सेलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट के अंदर पॉलीटीन क्रोमोसोम मिलते हैं, देयर फॉर दे आर पॉपुलरली कॉल्ड द सेलाइवरी क्रोमोसोम, उसको बोले जाते हैं। लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर हायर एलोंगेटेड स्पेशल काइंड ऑफ साइनेप्स मिड फ्रॉम पेज और डाइप्लोटीन क्रोमोसोम देट आर बाइवेलेंट, और सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं उसको हम एलोसोम बोलते हैं। क्लियर हो गया। ओके अब उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको नोट्स में जिल लिख जाएगा। ये देखो पी आर एम और क्या आर एम पूछा गया था, फिर इसमें बाद देखिए ओमनी सेलुला मैंने पूछा था, ओमनी सेलुला ही सोलह थे ड्यूर चेक वन वाला पूछा गया, ये उड़ीसा के लिए हो गया। यहाँ पर ये विच ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड वगैरह पूछा गया। पी पी एल ओ को साइज पूछा गया था, मैंने आपको बताया था कि वो डायग्राम में आपका दिया हुआ है वहाँ से आया हुआ है। इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह ये सब कुछ पूछा गया, एस सी आर वगैरह का मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया, ये 2022 अगर 2021 के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।